हे गाइस हाउ यू होप क्या बच्चे होंगे। और आज के वीडियो में हमें कमाल गढ़वाल पे बात करेंगे। पॉलिटेक्निक इस सरकारी कॉलेज से करो आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो गाइस यही टॉपिक है और इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और पहली बार अगर आप पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस एक बड़ी बात और बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पे आप बहुत लंबे टाइम से आप लोग जुड़े हुए, पिछले 1.5 ईयर से मैं एक्टिव हूँ चैनल पे। चैनल पे बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें चल भी रही हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो करिए, मतलब। लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी है तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि कौन से सरकारी कॉलेज में प्लेसमेंट तगड़ा होता है, कौन से कॉलेज में फैकल्टी अच्छी है। अभी इंटरनेट पे स्टूडेंट अपना बयान दे ही देते हैं, आजकल रिव्यू है ही है कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट जाती होगी फेक रिव्यू करवाने, फेक रिव्यू तो कोई नहीं करवाता होगा, ठीक है। तो ये जो ओपिनियन है वहां पे स्टूडेंट लिख ही देते होंगे। तो जिस गवर्नमेंट कॉलेज से प्लेसमेंट होता हो वहां से अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो वहां सरकारी नौकरी भी आपकी लगने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। होगा ये कि जहां पे भाई देखो एजुकेशन अच्छा होगा, चीजें पढ़ाई जाएंगी, प्रैक्टिकली पढ़ाई जाएंगी, तो चाहे वो रेलवे हो गया, पीएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, बीएचएल हो गया, गेल हो गया, पीजीसीआईएल हो गया, जो जो भी कंपनियां हैं उन कंपनियों में आपके लिए जॉब है, उन कंपनियों में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो वो चीजें समझना, फिर उस पर अप्लाई करना, फिर उस पर जॉब देखना, ये बहुत मैंडेटरी है। अगर आप इस फील्ड में उस लेवल पे नहीं आगे बढ़ पाओगे, उस लेवल पे चीजें नहीं कर पाओगे तो शायद आपके लिए मुश्किल होगा। फिर आपको लगेगा अरे यार मैंने लाइफ में क्या कर दिया, शायद ये नहीं करता तो चीजें बेटर हो जाती। देखो गाइस अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने की सोच रहे हो तो सबसे पहले अपनी रैंक देख लो कि आपकी रैंक के हिसाब से बढ़िया पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन है। और देखो टायर थर्ड कॉलेज में प्लीज मत पढ़ने जाना, ये लोग मार्केटिंग सिर्फ करते हैं। टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई स्कोप नहीं है, टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई एडमिशन लेने नहीं जाता है, ठीक है। आप किसी के बहकावे में आके और बिल्डिंग का कलर देखकर एडमिशन मत लेना। अगर आप किसी के बहकावे में आके एडमिशन लेते हो बिल्डिंग का कलर, बहुत सारे टीचर्स भी है ना जो अभी क्या करते हैं, जो ट्वेल्थ वाले टीचर हैं वो कॉलेजों से कनेक्ट कर रखते हैं कि हमारा स्टूडेंट है पॉलिटेक्निक का पेपर दे रहा, भले पास हो या फेल हम आप एडमिशन आप क्या ही करवाएंगे, इतना उसके घर वालों को मोटिवेट कर देंगे, इतना स्टूडेंट को मोटिवेट कर देंगे कि उसको अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा लेकिन उसको छोड़ के वो यहाँ पढ़ा लेगा, पैसा कहेंगे हम माफ कर देंगे। ये फैसिलिटी, पैसा माफ करना इज नॉट अ सोल्यूशन। 25,000-50,000 रुपए माफ हो जाने से आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा गाइस। तो आपको उसके बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में, ना कि 10,000-20,000-25,000 या 50,000 रुपए माफ हो जाए, वो बेटर है। उससे बेटर है कि आप पैसा खर्च करो और अच्छा करियर मिले, जॉब मिल जाएगा, 2 महीने में 50,000 रुपए आप कमा करके दे सकते हो। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि अगर आप सरकारी कॉलेज में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ोगे, अच्छे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाओगे तो वहां से गवर्नमेंट जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, और अगर नहीं जाओगे फिर चीजें वहां आपके लिए मुश्किल होगी। तो मेरा काम था गाइज आपको बताना, अब आपका काम है डिसाइड करना कि क्या मुझे सच में बेटर पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ब्रांच बहुत सारे लोग हैं, गलत ब्रांच भी ले लेते हैं। ब्रांच देख लो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, कोई भी ट्रेड हो, आप थोड़ा सोच समझ के ट्रेड पे वर्क करिए, थोड़ा सोच समझ के ट्रेड पे जाइए। और हर कॉलेज में हर ट्रेड बेटर नहीं होता, मैं ये भी कह रहा हूँ, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, हर कॉलेज में हर ट्रेड बेटर नहीं होता। तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में जा रहे हो, उस कॉलेज में वो ट्रेड की पढ़ाई अच्छी होती है या नहीं, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो गाइस देखो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने से एक प्रॉब्लम, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाने से आपको गवर्नमेंट जॉब लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन का लेवल है, नॉलेजबल होना पड़ेगा तभी जाकर करियर आगे बढ़ पाएगा। मेरा काम था गाइस आपको बताना, और करियर में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, करियर आगे नहीं बढ़ रहा तो career@education.com पे जाके मेरे से बात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, बार जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।